सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा के दादरी जिला के किसान धर्मेंद्र ने ऐसा काम कर दिखाया जिसे लोग असंभव मानते हैं। धर्मेंद्र ने केवल 2.5 साल की मेहनत से राजस्थान की सीमा के साथ लगते गांव में सेब का फल उगाने में कामयाबी हासिल की। धर्मेंद्र का दावा है कि जल्द ही हरियाणा में काजू, बादाम, केसर, अंजीर और पिस्ता की खेती भी होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि सेब कहाँ पैदा होता है तो आपका सीधा जवाब होगा कि सेब ठंडे इलाकों में पैदा होता है जहाँ बर्फबारी होती है। लेकिन हरियाणा के किसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आपको यकीन करना होगा क्योंकि दादरी के गांव कहाड़ा के किसान धर्मेंद्र ने अपने खेत में सेब उगा कर दिखा दिया है। धर्मेंद्र का गाँव राजस्थान की सीमा से लगता है और इतनी गर्मी होने के बावजूद सेब का उगना किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जिसे करने में वैज्ञानिकों को सालों लग जाते हैं। जो हमारे जो वैज्ञानिक थे वो उस चीज पर नहीं पूछ रहे और वो केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। और आज जो हमारी सोच थी, हमारी जो नीति थी, उन नीतियों में हम कामयाब हुए और जो हमने ऑर्गेनिक दवाई बनाई, आज उसका हमने रिजल्ट मिला, वो आपके सामने मौजूद है, जो सेब को आज हमने संभव कर दिया। और हम तो इस चीज का दावा करते हैं कि पूरे देश में सेब का, यानी कि हम कहीं पर भी उत्पादन ले सकते हैं। धर्मेंद्र ने साल 2016 में सेब के पौधे लगाए थे। धर्मेंद्र के खेत में सेब के कुल 14 पेड़ हैं। अभी केवल एक ही पेड़ पर सेब लगे हैं। इस गर्मी के मौसम में पेड़ पर 7 सेब लगे हुए हैं। उनका कहना है कि अगले साल इन छोटे पेड़ों पर भी फल आएंगे। ये जी सेब का पेड़ है, 2016 में हमने लगाया है और अब आपके सामने है। ये जैसे नीचे जो बड़ा सेब है, इससे ये साफ देखने में आ रहा है कि जो बड़ी जो साइज होती है वो हमारे हरियाणा में बन चुकी है। और जो ऊपर आपको जो 2 में 3 में जो गुच्छा दिखाई दे रहा है, तो हमने ये दर्शाया है कि जब 2-3 में जो अगर हमने सेब का गुच्छा तैयार कर दिया तो सेब यह असंभव है। जो हमारे जो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं अगर भी सेब तैयार नहीं हो सकता, जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ सेब होता है, तो वो उस चीज़ को हम मान के नहीं चल रहे। हम तो इस चीज़ को देख रहे हैं अगर इस सृष्टि के ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। धर्मेंद्र खेती के लिए खुद की एक ऑर्गेनिक दवा बनाते हैं जिसका नाम उन्होंने पेड़ों का अमृत रखा है। धर्मेंद्र ने बताया इससे पहले वो गेहूं, चना और दूसरी फसलें उगाते थे, लेकिन उससे घर का गुजारा अच्छी तरह से नहीं होता था। अपनी इसी दवा के बलबूते उन्होंने दक्षिण हरियाणा जैसे गर्म क्षेत्र में सेब उगाने में कामयाबी हासिल की है। जिस पेड़ में हमने, यानी कि सेब जो लगाया है, इस चीज में यानी कि हमने जितनी भी जो ऑर्गेनिक दवाई और खाद डाला है, जो हम अपनी जो दवाई और जो खाद बना रहे हैं उसका ये सामने आपके प्रभाव है। जैसे कुछ पेड़ हमारे पास ऐसे भी हैं आगजीन के ऊपर हमने दवाई नहीं डाली जो छोटे पेड़ खड़े हैं, और इस पेड़ में दवाई डाल करके हमने साबित कर दिया कि सेब देखो ऑर्गेनिक दवाई से हम सेब ले सकते हैं। जो दवाई जो हमने जो तैयार की है वो केवल ऑर्गेनिक ही नहीं, वो बल्कि ये मानिए आप वो एक, यानी कि हमारा देसी घी है। धर्मेंद्र केवल 12वीं तक पढ़े हैं और देश में कृषि और किसानों की हालत में सकारात्मक सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने काजू, बादाम, केसर और अंजीर जैसे पेड़ भी अपने खेत में लगा रखे हैं। धर्मेंद्र की कोशिश है अगले साल इन पर भी फल आए। हमारा इस चीज पर दावा है कि ये 2019 में फल देगा। जब आप दोबारा हमारे खेत का भ्रमण करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे ये काजू फल दे रहे हैं। ये सिर्फ देखिए केसर है, जो केसर हमारे इधर नहीं हो सकती उसके ऊपर अभी हम इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। ये है जी बादाम, और इस बादाम को भी हमने अभी यानी कि 2017 में लगाया है ये बादाम, और अब की बार इससे भी फूल निकाला, लेकिन हमने फल लेना उचित नहीं समझा। अभी आपके सामने जैसे एक तो ये बादाम है, एक वो पेड़ है, ये दो पेड़ है, इसके अंदर हमने अब तक कोई खाद दवाई नहीं डाली है। हमारा इस चीज पर दावा है कि जब हम अपनी जो ऑर्गेनिक दवाई इसमें डालेंगे तो अगली बार हम आपको इसके ऊपर इतना बादाम दिखाएंगे आकर आप ये कहेंगे हाँ वाकई इन्होंने किया है। इधर ला करके नई चीज बोएंगे, जैसे सेब है, काजू है, बादाम है। जब जैसे हमारा दावा चल रहा है कि 2019 तक मैं इस हरियाणा प्रदेश में किसान भाइयों को, यानी कि सेब, बादाम, काजू, पिस्ता और चंदन, 100% मेरा दावा है कि आप अगले साल यहाँ आइए और हम आपको वो चीज दिखाएंगे, वो फ्रूट लगे दिखाएंगे। किसान धर्मेंद्र का मानना है कि मेहनत के बल पर ही हर तरह की फसल, फल या फूल किसी भी क्षेत्र में पैदा किए जा सकते हैं, बशर्ते उस फसल की पूरी जानकारी पहले ले ली जाए। धर्मेंद्र भारत के कई प्रदेशों में जाकर वहाँ की जलवायु, जमीन और पानी के बारे में जानकारी ले चुके हैं। पहले जी हम गेहूं है, चना है, सरसों बो लेते थे, लेकिन उसमें हमारी पैदावार नहीं आती थी। हमने सोचा कि इससे अच्छा है इस खेती को छोड़ दे, लेकिन हमारे पास कोई साधन संपन्न नहीं अगर जिससे हम अपना
पेट गुजारा चले। ऐसा काम करें देश के लिए, आगे एक मिसाइल कायम हो। और इस करके हमने उस चीज को देखा कि पेड़ पौधे यदि अगर यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं हो सकते, जम्मू कश्मीर में क्यों हो सकते हैं? अगर इंसान वहां नौकरी करता है तो पेड़ पौधा इधर क्यों नहीं हो सकता? उस चीज को लेकर के हम कश्मीर भी गए कई बार, हम हिमाचल भी गए। उसके बाद में हमने ये चीज लास्ट में ये चीज पाया, जो हमारे जो वैज्ञानिक थे वो उस चीज पर नहीं पहुंच रहे और वो केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। और आज जो हमारी सोच थी, हमारी जो नीति थी, उन नीतियों में हम कामयाब हुए। रेतीले इलाके में सेब उगाकर इस किसान ने असंभव को संभव कर दिखाया। अब वो देश के किसानों की खुशहाली के लिए प्रयोग को जारी रखेंगे। धर्मेंद्र ने हाल ही में अपने प्रयोग और उपलब्धि के बारे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, सीएम मनोहर लाल, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ समेत कई विभागों को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि वो किसानों की खुशहाली के लिए हर संभव मदद करेंगे। चरखी दादी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन अवर वीडियो फॉर बेस्ट अपडेट।